उपस्थित समस्त भक्तवृंद, भक्त नहीं बात मई माता है वो बहन रामरक्षा सूक्त में श्री ऋषभ जी ने कहा है कि एक एक अक्षम पुंसाम महापातक नाशम। राम कथा का एक एक अक्षर बड़े से बड़े कलुषों को विनष्ट कर देता है, बड़े से बड़े कलुषों को पापों को धो देता है। तो हम और आप कल से अरण्यकांड में प्रवेश किए हैं। अरण्यकांड की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरिद्वार से और माया से ली। तो कल आप सुना कर रहे थे कि इंद्र का बेटा जयंत श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए है। रामचरित मानस में राम जी की परीक्षा लेने के लिए चार लोग आए हैं, लेकिन सबसे निकृष्ट पद्धति इसी की है। राक्षसों भी दो लोग आए हैं, अकेला यही नहीं आया। तो आप देखिए ये चार लोग कौन कौन से हैं जो राम जी की परीक्षा लेने के लिए आए। सबसे पहले राम जी की परीक्षा लेने के लिए आए सती। वो देखना चाहती थी कि मनुष्य है या भगवान, और उन्होंने क्या रूप धारण किया राम जी की परीक्षा लेने के लिए। रूप बदला, कौन सा रूप बदला? वो सती की, सती से वो सीता बन गई, मतलब नीचे नहीं गई, उनसे बड़ी ही बनी, छोटे नहीं बनी, सीता की बनी। एक रावण आया परीक्षा लेने के लिए कि देखेंगे भगवान है कि नहीं, अगर ये इंसान होंगे तो स्वर्ण के पीछे दौड़ पड़ेंगे, और भगवान होंगे तो सब पहचान लेंगे। तो वो किस रूप में आया? राक्षस था, साधु बन रखा है। क्या बनकर क्या है? साधु बनकर क्या है। तीसरी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी आए। हनुमान जी देखना चाहते थे ये है कौन। तो हनुमान जी महाराज कौन थे? बंदर। और क्या बनकर क्या है? ब्राह्मण। तो ये जो तीन परीक्षा लेने वाले हैं, ये तीनों परीक्षा लेने वाले नीचे से ऊपर को हैं। सती जी से अपनी आराध्या करो, सीता करो, तो नीचे से ऊपर जाती, गिरती नहीं है, पटक नहीं होती। इधर शंकर जी ने सती जी को त्यागा, उसका दूसरा कारण था, उनका भाव था। सती जी की कोई गलती नहीं थी। और ईश्वर ने लिखा है रामचरितमानस में सती जी की कोई गलती नहीं थी। तो किसकी गलती थी? उसमें राम जी की गलती, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा था। फिर जैसे देखकर के कोई भी हुआ तो सकता। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट नहीं किया, देखा सती जी में पाप की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सीता ने सती जी का त्याग किया, अनग सती जी को वहां पर अनग कहा गया। विम अगत तभी सती असनाल अगमानी। सती जी ने जो सीता जी का रूप धारण किया उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। अच्छी तो बनी सीता, एक तो बनी राम जी। राम कहते हैं बच्चे राम बनते हैं, सीता बनते हैं, तो कोई गलती करते हैं क्या? फिर शंकर जी आपको छोड़ के दिए। शंकर जी ने छोड़ा कैसे है ये भी जान लो। शंकर जी का प्रेम सती जी के पास में जो करते हुए, सती जी के वेलफेयर की, उनकी हित की चिंता वो बराबर करते हैं। शंकर जी बार बार समझाते हैं कि तुम सब पिता के यहां मत जाओ, वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कहां गए कल्याण न हो। अगर उन्होंने त्याग दिया होता, और वो कहते हैं कि हमको अगर कोई पति अपने दिल से पत्नी को उतार दे कि मैंने इसे छोड़ दिया, और फिर वो कहेगा कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ, तो बताओ किस भाषा में पति बोलेगा? क्या कहेगा? रोको, कर जाओ भाड़ भाड़, जहां जाना है क्यों आ जाओ। जब छोड़ दिया, दिल से उतार दिया, तो कहीं नहीं जाओ।
भांति अनेक संभु समझावा। शंकर जी ने थोड़ा बहुत ही समझाया, अनेकों प्रकार से उद्यम देकर के समझाया है, समझ जाए। मैंने वो शक्ति जी से जो प्रेम की प्रक्रिया, देखो प्रेम की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। एक माँ जो प्रेम करती है वो अपने बच्चे से करती है, और वही माँ अपने पति से प्रेम करती है। लेकिन दोनों के प्रति प्रेम का जो उसका होता है वो अंतर होता है। बड़ा शंकर जी ने प्रेम का त्याग नहीं किया, प्रेम का कन्वर्शन किया है, प्रेम का अंतर किया है। बड़े हल्के ढंग का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बहुत हल्का है, अच्छा कहने लगेगा लेकिन उससे आपको समझ में आएगी। पुराने जमाने में लोग गांव से बाहर जाते थे, मैंने भी देखा कि पूरे पूरे लोग घर से नैहर के लिए, हम लोग रामनवमी वहां हुआ करती थी, मंदिर बड़ा था, चैत्र के महीना होता था और खेत खलिहान का काम हो जाया करता था, तो वो माँ को बुलाने के लिए मामा जी तो रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाते थे घर के अंदर में, राम जी का बहुत अच्छा मंदिर था। तो वो एक एक घंटे में जब लोग वहां जाकर रुकते थे तो घर को बैसे छोड़ देते थे, ताला नहीं लगता था, केवल शक्कनी बना देते थे बस। तो ऐसे ही किसी के यहां की बात है, एक तो बात अलग से ध्यान, तो कोई व्यक्ति कहीं बाहर गया और वो बाहर ही खुला छोड़ गया, वो क्या फुर्सत, वो रहते मसाला जिस पर सिर भट्टा डाले, पत्थर का एक पत्थर होता था और उस पर पत्थर का ही जोड़ा होता था, उससे मसाला पीते थे वो, कोई घर में छोड़ गया। आप सोच लीजिए आपने छोड़ दी और आप जब लौट करके 10-15 दिन में आए उसकी चोरी हो गई, चोरी को मतलब कोई उठा लेगा उस पत्थर को, आपने सोचा चलो ठीक बाहर पर आता कोई उठा ले गया पत्थर ही तो था, कोई बात नहीं। हम लोगों ने देखे मेलों में पत्थर मिलते थे, जब मेले रहते थे कहीं वहां पर वो सिरबट्टा भी आते थे, उनको छीलने वाले भी आते थे ऐसे करके वहां से लाते थे, तो चला गया। तो अगर वो चला गया बाद में आप कहीं घूमते फिरते अपने गांव के पास में किसी दूसरे गांव तक जाओ और किसी पेड़ के नीचे हनुमान जी की गोल मटोल मूर्ति रखी, हनुमान जी की मूर्ति होती क्या पत्थर पर सीधे सिंदूर लगा देते हैं, हनुमान जी हो गया, मोक्ष सीधे पत्थर है टेढ़े मकोड़े पत्थर में सिंदूर लगा दिया हनुमान जी, और वो आपको मिल जाए हनुमान जी और आप अपने गौर से देखो तो आपको ध्यान आ जाए कि ये तो हमारा फिर बटे जिससे मसाला पीसते, और किसी ने देखा कितना तो पाव उठा लाया कोई ला करके पेड़ के नीचे रख दिया, श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करने लगा। अब उसकी 2-3 महीने से पूजा हो रही है, हनुमान जी के लोग आ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, आपने पहचान लिया कि ये तो मेरा सरवटा है, आप ईमानदारी से बताओ उसको उठा के लाओगे? यही सिंदूर उस पर लगा हुआ है, हनुमान जी की पूजा हुई पेड़ के नीचे और हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पूजा कर रहे हैं और उसको सिंदूर लग चुका है, आप लाओगे भी नहीं, आपके भी मन में एक अवधारणा लग जाएगी कि इसमें अब हनुमान जी है, आप भी वहां जाओगे, भले ही आपको एक बार याद आ जाए करेगा कि हमारा सिर बच्चा था, लेकिन आप वहां ज्यादा जाओगे वो हनुमान जी है आपका, और क्षण मांगो हनुमान जी का तो आप सिर बटेगा काम नहीं देते, और उससे किसी भी वस्तु में देखो प्रहलाद ने जो भगवान जी को प्रकट किया कहां से प्रकट किया, उसके पहले पत्थर में पूजा नहीं होती थी, मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, वो सर तुलसीदास जी कहते हैं तब से पाहन हर पूजन लागे, हृणा के शब्द का इस कमरे में भगवान का श्रद्धा, हाँ इस कमरे में कान नहीं है, तो सत्यम विधात्म ने भक्तभाष्य स्तंभे सभायाम नगरम न मानसम, सत्यम विधातुम निज भक्त भातम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए व्याप्त मुझे स्वप्न सुचाकना हो तो चर्तन में चाहकर व्याप्त है क्या संभव नहीं है, अदृश्यता त्यभुत रूप मन स्तंभे सभाया नगर नमान देखते देखते प्रहलाद ने कहा इसमें भगवान है,
तो स्वीकारो पर तेरे भगवान का अंत कर देता हूं उसने खंभा द्वारा। तो भगवान गुस्से से प्रकट नहीं हुए, प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए, नहीं तो प्रहलाद की वाणी असत्य हो जाएगी। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी लज्जा रखने के लिए भक्ति की वाणी का सुना हो जाए। तो सत्यम विधातु यदि यदि वर्तमानी अपने साथी भ्रष्टाचार अपना मृत को अपना दास उसकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान का जो प्राकट्य है वो प्राकट हुआ। तो अब आप देखें, तो अब आप जरा देखिए कि आपने एक पत्थर जो आपका था जिससे आप कभी मसाला पीसते थे उससे किसी ने बाहर पड़ा हुआ देखा चिकना चुपड़ा समझ करके उसमें सिंदूर लगा करके। वैसे भी कहते हैं कि एक पत्थर को आप कोई बड़ा दृष्टा मत कराओ, 12 वर्ष तक आप उसका पूजन करो एक दिन लागा हाथों में तो उसमें भगवान आ जाते अपने आप प्राण प्रतिष्ठा लेते। अब उसमें पूजा हो रहा है तो आपने ही भगवत श्रद्धा होगी, अब आप भी जाओगे वहां पर पूजा करने के लिए पर आपको बड़ी श्रद्धा होगी कि पहले हमारे यहां ही थे। मैं क्या कह रहा था कि वो पत्थर जिससे तुम कभी सिर्फ पीसते थे मसाला पीसते थे अब सिंदूर चढ़ गया लोग दीप जला रहे तो आपकी भी उसमें श्रद्धा होती हो गई। अब आप उसे घर में ला करके सिलबट्टा की तरह मसाला नहीं पी सकते हो। शंकर जी का प्रॉब्लम क्या हुआ, शक्ति जी ने डर के कारण आज पहली बार असत्य बोला उसे बताया नहीं कच न परीक्षा लेने गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तब शंकर देखे उधर क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो उसके चेहरे के भाव बता देते कि ये झूठ बोल रहे हैं। और शंकर जी समझ गए कि शक्ति जी जो मुझे बता रही है शायद ये सही नहीं है क्योंकि प्रकम्पन है इसकी वाणी इनमें भय है इनका चेहरा थोड़ा भय भी। वैसे शंकर जी मान लेते उनकी बात क्योंकि कभी झूठ बोलते ही नहीं शक्ति कभी भी झूठ नहीं बोल रहे आजकल बोले। और पहले भाई शंकर जी ने कहा कि सकाओ सत्य सब बात सत्य बताना और पहली बार ही शंकर जी ने कहा सत्य बोला और पहली बार ही वो असत्य हो। शंकर जी जानते थे झूठ नहीं बोलते लेकिन जो भय था भय के कारण उनको लगा के साथ पूछा। तब शंकर जी के उधर जाना सती रुकी मरम सो जाना तब शंकर जी ने ध्यान में करके देख लिया कि कैसे सीता बनती गई। अब सीता जी को उनकी इज्जत भी है सीता जी शंकर जी की इष्ट देवी कौन है सीता जी उनकी इष्ट देवी है और उस इष्ट देवी का उन्होंने रूप धर लिया इसलिए जो शरीर इष्ट देवी बन गया अब वो शरीर उनके लिए पूज्य हो गया। क्या हो गया जैसे पत्थर को पत्थर ही रहता है अब ये जो जयपुर वाले हैं मूर्तियों को बनाते हैं तो पत्थरों के ऊपर पांव से चर्चा करके काम करते हैं खेलते हैं ठोकते हैं फिरते हैं ये करते हैं वो करते हैं क्या नहीं करते वो जिनको आप स्वच्छ रहते थोड़ा सा मूर्ति नीचे नहीं गिर जाए तो ऊपर लग जाए बोर्ड के ऊपर छेनी रख करके चलाते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब वही जयपुर का वो कारीगर आएगा तो वो भी सार प्राण प्रणाम करेगा वो भी वो जानता है उसको मैंने बनाया क्योंकि जब आचार्यगण वेद मंत्रों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा तो ठाकुर जी उसमें प्राण देते आप आना वृंदावन में वृंदावन में वही 27 नवम्बर से वेदांत आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा है सब लोगों की व्यवस्था है और आप जरूर आना है सब लोगों को 27 नवम्बर से 6 दिसंबर तक बड़े बड़े सब संस्थाएं हैं बड़े बापू रमेश भाई उजाल कमरा जी रामदेव बाबा सत्यनंदी महाराज राजेंद्र दास जी तो बहुत सब संताएं उसमें सभी संतों का स्वागत हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो शंकर जी ने उनके प्रति इतनी निष्ठा रखी वो सती जी जब परीक्षा लेने के लिए गई तो क्या बनी सती से सीता बनी पूज्य बनी निचली गई रावण राक्षस से साधु बना हनुमान जी बानर थे और बानर से क्या बने ब्राह्मण बने विप्र रूप धारण करता गए वो। पर एक परीक्षा लेने गया जयंती क्या था बोलो क्या था क्या बन गया देवता था
और देवता से क्या बना? कौवा बना। कौवा को ऐसा पक्षी कहा जाता है, कही काग सब भांति अपावन। शरीर प्रकार से अवरत होता है, किसी शेष रास्ते में जा रहे हो किसी काम के लिए, तो जिस पेड़ के ऊपर में कौवा बैठा हो तो उसके नीचे सजा नहीं है, अशुभ है। और उसमें वो देवता देवराज का पुत्र था, इंद्र का पुत्र था, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी बढ़ सकता। लेकिन वो जब आया तो सुरपति सुख दरबार से राम जी की परीक्षा था, कब मैंने एक संकेत छोड़ा था, आखिर जैन का राम जी से क्या लेना था, क्यों आया वो? उसका रीजन था, आप जानते हो कि रावण के अत्याचार अनाचार पापाचार भिक्षाचार से सारी पृथ्वी जब व्याकुल हो गई तो समस्त देवताओं ने प्रार्थना की, जय जय सुनायक जन सुदायक प्रातः पाल भगवंता बौद्धिकारी जय प्रसारी संता पियता पालन सुधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो शायद पाला जीव दयाला करो अनुग्रह हुई। तो वो लोग प्रार्थना करते हैं सारे देवता लोग मिलकर के, तब भगवान आकाशवाणी करते हैं कि जन हृदय राहु अब आप हृदय से डरो मत, तुम्हारी लाभ धर्म मेरे विषा, अब मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा भगवान। तो जो भगवान के प्रार्थना करने वाले थे उनमें कौन कौन थे? इनमें भी था सारे देवताओं ने प्रार्थना की, तो इनमें भी था। अब सबको मालूम है कि अवध पूरी रघु कुल मीरा सम्राट राजा दशरथ जी के वो पुत्र हो जाके अवतार, उन्होंने मनु शत्रु का रूप में बड़ी तपस्या की, वहां पर भगवान का अवतार हुआ। सारे देवताओं को मालूम है कि दशरथ जी के यहाँ पर जो बच्चे के रूप में अवतरित हुए हैं वो साक्षात भगवान का आविर्भाव हुआ है। और आपको मालूम है किसी भी राजा के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में कह दिया जाए तो स्वर्ग चला गया, इसका मतलब क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु। लेकिन दशरथ जी के बारे में ऐसा नहीं था, दशरथ जी तो अक्सर वहां जाया करते, सर्वपति हुए भी आगे ले ही और अर्ध सिंहासन आसन ऐसे चक्रवर्ती सम्राट पालन करते कि हमारे जीवन में जब आपत्ति होती है तो हम इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र का आह्वान करते हैं, यज्ञ होते हैं, हमारे विद्वान लोग करते हैं, क्या एकदम इंद्राय नमः, इंद्र के लिए आहुतियां देते हैं, हवन करते हैं। लेकिन वहां उल्टी बात थी, इंद्र को भी कंजब पड़ती थी तो राम की बात छोड़ो दशरथ जी को बुलाते थे। दशरथ जी इतने दशरथ जी के जीवन में दो घटनाएं ऐसी घट गई जिसके कारण दशरथ जी का हम नाम ही भूल गए। हमको भी एक सशक्त न्यायवादी और अच्छे रूरल राजा के रूप में दिखाई नहीं पड़ते, एक कमजोर डरे हुए सहमे से पत्नी के वशीभूत राजा की कल्पना में वो करते हैं। इसलिए दशरथ जी के प्रति हमारी वो भाव निष्ठा, उनसे दो गलतियां हो गई थी, एक तो उनसे श्रवण कुमार की जो हत्या हुई सबसे बड़ी चूक उनसे ये हुई थी कि अनजाने में उन्होंने, क्योंकि रात्रि के टाइम पर शिकार नहीं किया जाता, शिकार करने के लिए आचार संहिता होती थी और जो हिरण का वध करते थे वो सवरण भी मान जाते थे, वही उनके हिंसक प्रवृत्ति के हो गए हों, खड़खड़े स्वभाव के हो जाते हैं, कुछ चिड़चिड़े दूसरों को सिंह मानने लग जाते हैं, तब वन में रहने वाले कर्मचारी उनको सूचित करते थे राजा को और फिर उसको दंड कर देने का काम राजा ही करता था। पहले कंकाल करता था दंड से, हिरण को मालूम हो जाए कि मेरे पीछे कोई है और फिर वो भागता था, तब वन मान जाता था, कुछ आचार संहिता थी और सारे हिरण नहीं माने जा सकते थे, कोई हिरण हिंसक हो गया ऐसे ही उसी का शिकार कर दिया। तो दशरथ जी महाराज ने नियम का उल्लंघन किया था, रात्रि के वक्त में शिकार नहीं खेला जाता और दशरथ जी महाराज रात्रि के वक्त में शिकार खेलने के लिए भीड़ से उन्होंने कहा निषाद से एक मचान बनाओ, आज रात्रि आखिर की ऐसा हमने क्यों किया?
क्योंकि उन्हें शब्द साथी बाण मिलकर सीखी थी। शब्द वेदी बाण जाते हैं, शब्द वेदी बाण जो शब्द निरंतर से आया, अगर देखे नहीं वह सुधर केवल हाथ का एक से बाण छोड़ दी, तो वो उसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहते थे, प्रयोग करके देखना चाहते थे कि हम उसमें सिद्ध हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो उन्होंने सोचा अगर दिन में हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं से नजर चली ही जाएगी, हम चूक जाएंगे, इसलिए उन्हें रात्रि का चयन किया। पहले तो दशरथ जी ने ये गलती की कि रात्रि में कभी भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं जाती है, आखिर खेलना ही सात के बुद्ध है। पर दशरथ जी ने रात्रि के वक्त में आखिर किया, और वहीं पर वो श्रवण जो दशरथ जी का मित्र भी था, दशरथ जी ने उसको व्यवस्था भी दी तीर्थ यात्रा के लिए, वो दशरथ जी से मिलकर गया था कि मैं पिताजी को तीर्थ यात्रा के लिए ले जाना चाहता हूँ, आपकी क्या क्या है। तो दशरथ जी ने कहा तुम्हें रथ की व्यवस्था कर दी, कुछ शेवक दे देते हैं आपके साथ, और मैंने कहा कि ये शरीर माँ बाप का ही दिया हुआ है, हम इस शरीर को साथ रखना चाहते हैं। तो दशरथ जी ने उनको जन्म दिया, और आप देखो उनका अंगत्व था, उनके द्वारा ही उनके उसकी मृत्यु हुई। तो एक जो दशरथ जी ने ये गलती की थी, इसके कारण से उनका नाम जो उज्ज्वल था वो थोड़ा डाउन हो गया, और दूसरा जो कहते कि कहने से उन्होंने जो बनवास काम किया, नहीं तो दशरथ जी जैसा राजा ना भूतो ना एक भी ऐसा आ रहा है जैसे दशरथ जी बताओ। इंद्र को मदद कर आज यही सुना गया क्या देवता लोग ये कर आते हैं, इंद्र उनकी मदद में आते हैं, इंद्र का यजन करते हैं, और दशरथ जी तो मैं जानते को भागवत में क्या होता है, इंद्र नंदा और कितना बड़ा यज्ञ करें, कथिता में पिता को संभ्रमो व उपांगता किम फलम कस चोदेशा के निवा साधिते मता। नंदा का यज्ञ करे, भगवान कृष्ण पूछते हैं कौन है इसका पूजन कर रहे हो, कथिता में पिता को ये कौन है उनका जिसकी यज्ञ की तैयारी करे। तो नंद बाबा ने उत्तर में क्या बताया कि परजन्य हो भगवान इंद्रो मेघा तत्मूतया ते भी वसंती भूताना प्रीणनम जीवनम पया। बेटा ये जो बादल है ना, ये इंद्र के आत्मा स्वरूप इंद्र का पूजन, तो तुमने कभी इंद्र को देखा है, बोलने इंद्र ऐसे दिखाई भी पड़ते हो आकाश में रहते, लेकिन ये जो बादल है ना ये बड़ी सोच मेरे पश्चात मुखिया तेरी वसंती भूटान, ये प्राणियों की कल्याण के लिए ही पानी बरसते हैं, ये सब इंद्र की कृपा से होता है। भगवान ने कहा सब इंद्र की कृपा से होता है। बोले हाँ तो बोले ठीक है बाबा, फिर घर में ही बैठा करो आराम से, कहीं मत जाया करो, ना खेत में जाओ ना कल्याण में जाओ, ना खेती करो ना हल चलाओ, क्या जरूरत है। जब इंद्र की कृपा से होता है तो केवल घर में बैठ करके पूजा करो, जानी जो क्या है सब अपने आप आया गया। श्री कृष्ण जी 7 वर्ष के थे और उन्होंने उनको क्या बताया, पिताजी इंद्र के करने से कुछ नहीं होता है, बोले तब तहत कर्म न जाए थे जंतु कर्म नहीं वो बिलीय थे सुखम दुखम भयम चैनम कर्म नहीं वा विपद थे कर्म न जाए थे प्राणी कर्म न जाए थे जंतु। प्रत्येक प्राणी कर्म के विपाक से पैदा होता है और कर्म में ही जीता है और कर्म में ही परिवर्तन हो जाता है। रोशन तुलसीदास जी कहते हैं कि काहू न को सुख है